हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और हम लोग सीख रहे हैं एडजेक्टिव। तो आज का हमारा टॉपिक है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दिस, दैट, दीज, दोज और सच, ये जो शब्द है ये किसी भी नाम को डेमोंस्ट्रेट करते हैं, मतलब उसको इंडिकेट करते हैं अलग से। इस वजह से इन्हें कहा जाता है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो वो कैसे है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, आई हैव परचेस्ड दिस बुक, आई हैव परचेस्ड दिस बुक, तो मतलब मैंने ये किताब खरीदी। तो यहाँ पर दिस ये जो वर्ड है बुक को क्या कर रहा है, डेमोंस्ट्रेट कर रहा है, मैंने मतलब ये किताब खरीदी। तो इसलिए बुक के पहले आया हुआ ये वर्ड है दिस, जो बुक के बारे में ज़्यादा जानकारी भी दे रहा है और उसको इंडिकेट भी कर रहा है, मतलब डेमोंस्ट्रेट भी कर रहा है। इस वजह से इसे कहा जाएगा डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो वैसे मेरे पास मतलब मेरे एक किताब खरीदी, तो मैंने बोला आई हैव परचेस्ड अ बुक और आई हैव परचेस्ड दिस बुक, और मैंने बहुत सारी किताबें अगर खरीदी तो मैं बोलूँगा आई हैव परचेस्ड दिस बुक्स। तो हमने पिछली बार वीडियो में देखा था कि दिस और दैट, दिस दैट दिस दोस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो मेरे पास में एक किताब है तो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया दिस, लेकिन मेरे पास बहुत किताबें हैं तो आई हैव परचेस्ड दिस बुक्स, मतलब मैंने ये किताबें खरीदी है। तो यहाँ पर दिस मैंने इस्तेमाल किया बुक्स के लिए, और बुक्स को मैंने ये किताबें, मतलब मैंने ये डेमोंस्ट्रेट करा किताबों को कि कौन सी किताबें, तो ये किताबें, तो इसलिए दिस भी क्या हुआ डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दिस का प्लूरल फॉर्म है दिस और दैट का प्लूरल फॉर्म है दोज। अगर वही किताब अगर मेरे पास नहीं है, थोड़ी बाजू में है, मैं बोलूँगा मैंने वो किताब खरीदी है। तो इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, आई हैव परचेस्ड और बॉट, आई हैव बॉट दैट बुक, आई हैव बॉट दैट बुक, मतलब मैंने वो किताब खरीदी है। तो यहाँ पर दैट जो वर्ड है बुक के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा है और बुक को इंडिकेट या फिर बुक को डेमोंस्ट्रेट कर रहा है कि मैंने ये, मतलब मैंने वो किताब खरीदी है। यहाँ पर दैट भी क्या हुआ डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो हम लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है, किसी भी नाम से पहले अगर दिस, दैट, दिस, दोज और सच इन जैसे वर्ड आते हैं तो उन्हें कहा जाएगा डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, लेकिन सिंगल अगर वर्ड आएंगे तो उन्हें कहा जाएगा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो अगर यही सेंटेंस ऐसा होता तो दिस इज माय बुक, यहाँ पर ये दिस जो है इसके बाद में नाउन है क्या, नहीं है, वो सिंगल आया है सेंटेंस, इस वजह से इसे कहा जाएगा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। वैसे दैट इज माय पेन, यहाँ पर दैट के बाद में कोई नाउन आया है क्या, नहीं आया, तो उसे कहा जाएगा इन दैट केस उसे कहा जाएगा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन दिस के बाद या फिर दैट के बाद अगर कुछ नाउन आता है कोई भी, तब उन्हें कहा जाता है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मतलब नाउन से पहले अगर दिस, दैट, दिस, दो, सच ऐसे वर्ड्स आते हैं तो उन्हें कहा जाएगा डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और वो वर्ड अगर सिंगल आते हैं तो उन्हें कहा जाता है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। मतलब दिस, दिस पेन इज माइन, ऐसा अगर लिखा इज माइन, तो यहाँ पर पेन मतलब दिस के, मतलब पेन के पहले दिस आया है वर्ड, मतलब दिस के बाद में ये नाउन आया है। तो नाउन अगर किसी भी, मतलब दिस, दैट, दिस, दोस के बाद में ठीक बाद अगर नाउन आता है तो रहेंगे डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और सिंगल रहेंगे, मतलब सिंगल है दिस, दैट, दिस, दोस, उनके बाद में कुछ नाउन नहीं है तो उन्हें कहा जाएगा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये फर्क हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, तो आई हैव बॉट दैट बुक, और बहुत सारी किताबें हैं और दूर है थोड़ी, तो मैं क्या बोलूंगा मैंने वो किताबें खरीदी है। तो आई हैव बॉट और परचेस्ड, बॉट या परचेस मतलब एक का सिनोनिम है, परचेस मतलब खरीदना और बाय मतलब भी खरीदना। आई हैव बॉट दी दोज बुक, सॉरी आई हैव बॉट दोज बुक, मैंने वो किताबें खरीदी है। तो बुक्स क्या है, नाउन है, नाउन के पहले आया है दोज वर्ड, और नाउन मतलब बुक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा है और उसको डेमोंस्ट्रेट कर रहा है, मतलब दिखा रहा है कि मैंने वो किताबें खरीदी है। तो ये दोज भी क्या रहेगा इन दैट केस,
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वैसे ही सच, सच का एग्जांपल यहाँ पर हम लोग लेंगे, आई डिडंट एक्सपेक्ट सच मिस्टेक फ्रॉम यू, मतलब मैंने तुमसे कुछ ऐसी गलती होंगी एक्सपेक्ट नहीं किया। तो ये मिस्टेक क्या है, नाउन है, उसके पहले कौन सा वर्ड आया, सच। वो मिस्टेक मतलब कौन सी मिस्टेक, तो ऐसी मिस्टेक। तो ये मिस्टेक के बारे में ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड कर रहा है और मिस्टेक जो वर्ड है उसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहा है, मतलब दिखा इंडिकेट भी कर रहा है। तो कैसी मिस्टेक, तो मैंने तुमसे ऐसी मिस्टेक का मतलब एक्सपेक्टेशन मेरा नहीं था। तो सच वर्ड भी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दोस्तों आज हमारा यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। दोस्तों इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, कौन से होते हैं, हम लोग देखेंगे व्हाट, विच और हुज। ये वर्ड अगर किसी भी नाम से पहले आते हैं सेंटेंस में तो उन्हें कहा जाता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। मतलब तो नाम के बारे में ज़्यादा जानकारी, मतलब या सवाल या कोई सेंटेंस हम लोग देख सकते हैं नाम के बाद। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, तो यहाँ पर दोस्तों टाइम के बारे में यहाँ पर ज्यादा जानकारी दे रहा है, मतलब व्हाट वर्ड, व्हाट टाइम इज इट। तो टाइम से पहले टाइम क्या है, एक नाउन है और उससे पहले ये वर्ड आया है व्हाट, तो इस वजह से इसे कहा जाएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। वैसे ही विच, विच का मतलब विच के सामने अगर कोई नाम आता है तो उसे कहा जाएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। विच एनिमल इज स्विफ्ट, मतलब कौन सा जानवर स्विफ्ट मतलब चालाक है, विच एनिमल इज स्विफ्ट। तो यहाँ पर एनिमल के बारे में ज्यादा जानकारी, मतलब यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, बराबर है। तो एनिमल के बारे में सवाल है, यहाँ पर टाइम के बारे में सवाल है, तो टाइम एक नाउन है, एनिमल एक नाउन है, तो नाउन से पहले सवाल पूछने के लिए विच का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, और टाइम के बारे में पहले सेंटेंस में टाइम के बारे में सवाल पूछने के लिए व्हाट का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस वजह से इन्हें कहा जाएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। वैसे हम लोग हुज का एग्जाम्पल लेंगे, तो हुज सिस्टर, हुज सिस्टर इज गोइंग टू पुणे, हुज सिस्टर इज गोइंग टू पुणे, मतलब किसकी बहन पुणे जा रही है। तो यहाँ पर सवाल पूछने के लिए हुज का इस्तेमाल किया, लेकिन हुज के ठीक सामने क्या है, सिस्टर, जो कि एक नाउन है। तो ये जो वर्ड है हुज, ये नाउन के पहले आया है, नाउन से पहले आया और नाउन को सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल नाउन से पहले किया गया है, तो इसलिए हुज को भी हम लोग कहेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखना, व्हाट विच हुज, ये जो वर्ड है डब्ल्यू एच, व्हाट विच और हुज, इन वर्ड के ठीक सामने अगर कोई नाउन आता है सवाल पूछते वक्त तो इन्हें कहा जाएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। और यही वर्ड अगर मतलब इनके सामने नाउन नहीं आता, खाली सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उन्हें कहा जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में एक मतलब अलग ही एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में मैं वो लिंक दे दूंगा, तो आप वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन वाला वीडियो ज़रूर देखिए। तो हम लोग हाँ, तो थोड़ा शॉर्टकट में मैं यहाँ पे बता देता हूँ, व्हाट विच हुज ये वर्ड अगर सिंगल आते हैं, जैसे कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो यहाँ पर व्हाट डब्ल्यू एच वर्ड व्हाट है, लेकिन व्हाट के ठीक बाद कोई भी नाउन नहीं है, तो इस वजह से इसे कहा जाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और व्हाट के ठीक बाद यहाँ पर नाउन है सेंटेंस में, तो इन्हें कहा जाएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या फर्क है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर हम लोगों ने अभी आज इस वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
और बेल आइकन को दबाकर जितना ज़्यादा हो सके उतना आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता रहेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।